इस मुल्क दा बनना है की वीरिया, इस कौम दा बनना है की वीरिया, कड दित्ती लीडरां ने पी वीरिया, इस मुल्क दा बनना है की वीरिया। बंदे का जो होता है ना टैलेंट, वो कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर होता है, तो बस मुझ में भी पता नहीं है कहाँ से आ गया। वैसे मुझे ना तो पढ़ना आता है ना लिखना आता है। जब बंदा ज़्यादा परेशान होता है ना एक चीज़ से, फिर बंदा उसके बारे में सोचता रहता है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। खो लेंदे जालम इत्थे सुख मावां दे, करदे शहीद किन्ने पुत मावां दे, वेखी किते दोजक दा सबब ना बने, रब नेड़े होके सुणदे दुख मावां दे। फ्यूचर प्लान यही है कि अल्लाह मेरे मुल्क को ठीक कर दे, जैसे हालात है ना फिलहाल, तो ये मुल्क मेरा ठीक हो जाए ना, तो फिर इंशाल्लाह मैं अगला प्लान सोचूंगा कि मैंने क्या करना है, आपको बताऊंगा। पहला इंटरव्यू आपके साथ ही करूंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ़ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। और आज जिस कैरेक्टर से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है कि वो कैरेक्टर आपको ज़रूर पसंद आएगा। नाज़रीन, मिलवाऊंगी मैं आपको मुजाहिद से, जिनसे मैंने पूछा है, जो कहते हैं कि वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जो सिचुएशन होती है उस लिहाज से उनके दिमाग में ऐसी शेर व शायरी आती है और ऐसे कमाल का वो गाना बनाते हैं कि आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, जिस तरह मैं हैरान हो चुकी हूँ। और बकौल इनके कि सिद्धू मूसेवाला, जब उसकी डेथ हुई थी उसके बाद जो है वो उन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादा ज़ोर दिया था कि वो सिचुएशन के हवाले से, इनकलाब के हवाले से ज़रूर गाना बनाएंगे। और अभी उन्होंने गाना बनाया है एक पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़, वो भी इनसे सुनेंगे और मैं ज़रा जानूंगी इनसे कि आखिर ये वाला टैलेंट इनमें किस तरह आ गया। आइए मिलवाती हूँ मैं आपको मुजाहिद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मुझे बताएं अपने बारे में, मैंने तो लोगों को बताया, लोगों को तजस्सुस भी हो गया होगा, जैसे मैं हैरान हुई वैसे लोग भी हैरान होंगे, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मैम क्या बताना मेरे बारे में, मैं इतना वो बंदा नहीं हूँ बड़ा, तो बस यही है, मजदूरी मेहनत मजदूरी करते हैं, तो बस इसी से, और क्या मैं बताऊँ। क्या काम करते हैं आप? अभी मैं वैले पार्किंग का काम करता हूँ मैम। पार्किंग का काम करते हैं, और ये गाने बजाने का शौक़ कहाँ से आ गया? मैम असल में जो बंदे का जो होता है ना टैलेंट, वो कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर होता है, किसी को किसी तरह का होता है, किसी को किसी तरह का, तो बस मुझ में भी पता नहीं है कहाँ से आ गया। वैसे मुझे ना तो पढ़ना आता है ना लिखना आता है, तो ये पता नहीं होता कहाँ से आ जाता है, इसका मुझे भी नहीं पता। सिद्धू मूसेवाले की क्या कहानी है पहले? मैम वो बहुत वो लेजेंड फनकार था, उसकी लिखाई बहुत अच्छी थी, वो सच पे लिखता था, जो भी होता था ना सच उस पे वो लिखता था, तो इसलिए मुझे वो पसंद है, काफ़ी पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। दुख हुआ है उस पे, मतलब उसके मरने के, मतलब उसका दुख बहुत हुआ है, तो ऐसे बंदे कम ही होते हैं, तो इसलिए मैम बताएं कि मैंने बताया लोगों को कि उसके मरने के बाद आप में ज़्यादा ये चीज़ जो है वो आई कि मैं जो है वो इनकलाब के लिए गाने लिखूं, तो मैंने लोगों को ये भी बताया कि आपने पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ जो गाना गाया, ज़रा सुना दें हमारे लोगों को, और वो किस तरह आपको ख्याल आया कि ये गाना बनाया? मैम असल में ये मुल्क के हालात इस तरह हो गए थे ना, बीच में सैलाब आ गया, तो उधर पंजाब असम्बली में एक दफ़ा लड़ाई भी होगी, तो ना मैं जेन में सोच रहा हूँ, रोज़ यार खबरें लगाते हैं ना कोई टेंशन नहीं होती है, या तो बंदा अपने लिए मेहनत मजदूरी करके खाना मतलब रोटी कमा ले, तो या बंदा ये टेंशन पाल ले। जो भी बंदा होता है ना घर का सरबरा, मैम उसको बड़ी टेंशन होती है, उसको समाज के साथ चलना पड़ता है, तो मैं भी घर में दो बच्चे हैं मेरे, तो मैं अपने घर में मुझे ज़्यादा ना इन चीज़ों का ज़्यादा टेंशन रहती कि यार मेरे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। एक पता नहीं मेरा नाम मुजाहिद है, इसलिए मैं ज़्यादा इस चीज़ की रखता हूँ टेंशन। हमने मेट्रो बनाया है, कितना पैसा लगाया है, मोटरवे पे पैसा लगाया है, अगर हमारी सोच उधर काम करती ना, तो हम लोगों ने आधा उससे आधा उधर लगा दे, तो डैमों पे कोई इतना सैलाब नहीं आना था। ये जहाँ पे इन गलतियाँ हुई हैं ना इन लोगों से, वो नहीं करनी चाहिए। आपकी इबादत अल्लाह को नहीं है, मतलब आप इबादत करें वो उसको नहीं है, वो तो फरिश्ते कर रहे हैं, उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत उसको इस चीज़ की है। मैम आपका जो हुक्मरान है या आपके लोग हैं, आपका एका कैसा है आपस में? हुक्मरानों के ख़िलाफ़ जो है वो गाना जो है बनाया, तो ज़रा सुनाए हमारे लोगों को, लोग भी वेट कर रहे हो। इस मुल्क दा बनना है की वीरिया, इस कौम दा बनना है की वीरिया, कड दित्ती लीडरां ने पी वीरिया, इस मुल्क दा बनना है की वीरिया, कौम दा बनना है की वीरिया, इस मुल्क दा बनना है की वीरिया।
ओ आपस कर दे लड़ाइया वेख लै कौम दियां पट्टियां तबाइया वेख लै माड़ा बंदा इत्थे भुखा पिया मरद कई दियां मोटियां कमाइया वेख लै हो गया है किन्ना नुकसान वेख लै पानी विच डुब गई आवाम वेख लै ओ मैट्रो जरूरी सी या डैम मिठिया माजी विच मार के ध्यान वेख लै सच हुंदा बड़ा कौड़ा दसा की वीरिया मुल्क दा बनना है की वीरिया इस कौम दा बनना है की वीरिया ओ समझ नहीं आउंदी मैनू इस गल दी कुत्ती किवें इत्थे चोरां नाल रलदी सुनिया मैं पत्थर ते रोड़े गल गए जिन्हां दी कदी नहीं दाल गलदी सियासतां दे दाणे पुन पुन खाने पै मजबूरियां दे आटे गुन गुन खाने पै महंगाई दी चंड तू बचाया खुद नू पर सानू एंड ते कसुन खाने पै ओ रोए नहीं वट गया ची वीरिया इस मुल्क दा बनना है की वीरिया कौम दा बनना है की वीरिया इस मुल्क दा बनना की वीरिया ओ साडे नाल बाद जो आजाद होए ने साडे नाल वध कामयाब होए ने हुंदियां ने जिथे खुंडियां सियासतां वीरे ओ मुल्क दे कोई आबाद होए ने विकदे बाजार शरेआम रवांगे असियां नीलाम की नीलाम रवांगे आजादी दा तबा से इक ओला मिटिया असियां गुलाम ते गुलाम रवांगे उठ गए सारिआं तुजी वीरिया इस मुल्क दा बनना है की वीरिया कौम दा बनना है की वीरिया इस मुल्क दा बनना की वीरिया आखरी है वो बेनजीर और उसके अब्बू पे जाता है ओ साडे नाल हाथ कर जांदी कुर्सी साडे नक उत्ते लड़ जांदी कुर्सी कईयां नूं ए मुल्क बदर करदी कदी फांसी दा सबब बन जांदी कुर्सी कईयां नूं ए रुख वांगू छांगे कुर्सी कईयां दियां नस्लां नूं सांभे कुर्सी कईयां नूं ए ऐशो आराम दिंदी ऐ कईयां नूं ए ला देवे टांगे कुर्सी खा गई ए प्योती वीरिया इस मुल्क दा बनना है की वीरिया कौम दा बनना है की वीरिया इस मुल्क दा बनना है वाह 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 मैंने तो बहुत इंजॉय किया और एक चीज़ मैं ज़रूर इस बात पे अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आप पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं हैं ये लिखते नहीं हैं ये सब सोचते और बोलते जाते और आपने अगर इनका गाना भी सुना हो तो एक एक सिचुएशन में ना वो गाना सही जो है वो जाता है तो खुश भी हूँ कि मैं आपको इंटरव्यू कर रही हूँ मैं हैरान भी हूँ कि ये आप इतना लंबा गाना आपने याद कैसे किया बस मैम ये अल्लाह की करम नवाजी है कुछ सोच है परेशानी की वजह से जब बंदा ज़्यादा परेशान होता है ना एक चीज़ से फिर बंदा उसके बारे में ही सोचता रहता है ये इतनी बड़ी बात नहीं है मतलब ये जो आप सोचते रहते हैं वो आपके दिमाग में और फिर आप गाना बनाती है तो अच्छा ये मुझे बताए थे कि इन्होंने ज़िले शाह जो पीटीआई के कारकुन जिनकी जो है वो शहादत हुई थी पिछले दिनों कल ही उनका जो है वो नमाज जनाजा अदा किया गया उस पर भी इन्होंने एक जो है वो गाना बनाया है उस सिचुएशन के हवाले से वो भी इनसे सुनते हैं वो एक शेर ही है तो अभी मैं उसको शुरू किया है तो मुझे बहुत दुख लगा है उस पर अरशे शरीफ पे भी लगा है क्योंकि वो इस कौम के बेटे हैं तो लोगों की आपस में है तो लेकिन उनको ऐसा नहीं होना चाहिए यार बिल्कुल वो कीमती है हमारे लिए सरमाया है हमारा तो उस पर मैंने लिखा है खो लेंदे जालम इत्थे सुख मावां दे खो लेंदे जालम इत्थे सुख मावां दे करदे शहीद किन्ने पुत मावां दे वेखी किते दोजख दा सबब ना बने रब नेड़े होके सुनदे ही दुख मावां दे रब नेड़े होके सुनदे ही दुख मावां अल्लाह ताला आपको तरक्की दे जो आपका फ़न है वो ज़रूर जो है वो उन लोगों तक पहुँचे और आप जो है वो मज़ीद कामयाब होते रहें अभी मुझे बताएं आपके नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं आप एक कार पार्किंग की जॉब करते हैं और जो टैलेंट आप में है वो शायद बहुत कम लोगों में होता है तो कोई आपके प्लान्स हैं फ्यूचर प्लान्स हैं फ्यूचर प्लान यही है कि अल्लाह मेरे मुल्क को ठीक कर दे जैसे हालात हैं ना फ़िलहाल तो ये मुल्क मेरा ठीक हो जाए ना तो फिर इंशाल्लाह मैं अगला प्लान सोचूंगा कि मैंने क्या करना है आगे मैम आपके गाने जो है वो कुछ इनकलाब लाएंगे मैम देखो पहली बात ये है कि हमने सच्चाई के खिलाफ सच्चाई के साथ देना है ठीक है तो ठीक हो सकता है कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती हो जाती है तो पहले भी इस पे बहुत तंगियां आई हैं इस मुल्क पे हो जाता है ठीक लेकिन हमें गाइड करने वाला चाहिए एक बंदा कोई गाना आप नई सिचुएशन के हवाले से सोच रहे हैं हाँ मैम सोच रहा हूँ बस मैं आपको बताऊँगा पहला इंटरव्यू आपके साथ ही करूँगा इंशाल्लाह मैम शहीदों के बारे में हाँ मेरे दिमाग में है एक चीज़ लेकिन वो अभी अनपढ़ बंदा हूँ ना मैं लिख नहीं ना सकता तो इसलिए मैं इंशाल्लाह आपको जल्द बताऊँगा इंशाल्लाह माशाल्लाह तो हम जो है ना वो इंतज़ार करेंगे वजाहत के नेक्स्ट सॉन्ग का कि वो कौन सा सॉन्ग सोचेंगे पहले और फिर जो है वो उसे गाएंगे आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी अल्लाह ताला आपको तरक्की दे नाज़रीन इस किस्म के लोग
अक्सर औकात चलते फिरते हमें मिल जाते हैं और मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि क्या क्या टैलेंट है लोगों में। जैसे इनकी आवाज़ अच्छी है वैसे इनके जो अल्फाज होते हैं वो सिचुएशन के हवाले से पूरे उतरते हैं और इंतहाई जो है वो सुनने में मज़ा आ रहा होता है। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। वी रियली होप कि आपको वजाहत से मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा। बस आप डिजिटल से फिल वक्त इतना ही, आपने मजीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।